नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे मिडलेक्स टाइटंस वर्सेस यूनाइटेड स्टार्स के बीच जो होगा फैनकोर्ट जमाइका टिटैन का ना आज का दिन का पहला मैच। दोस्तों, वीडियो में ना आपको मिलेंगे इन डेप्थ दोनों ही टीम के बारे में एनालिसिस। गाइस, ग्रैंडलिक प्लस मौलिक दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। प्लस जो अलग से मिलेगा वो होगा दोस्तों एक्सचेंज 22 के पिक्स। देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना तब तो एक्सचेंज 22 में ये मैच ऐड नहीं हुआ था, बट स्टिल मैं मुझे जो लगता है कि क्या कुछ प्राइस के अकॉर्डिंग कौन से पिक्स अच्छे हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो ओवरऑल ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव इनफ होगा ताकि आप फैंटेसी के अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग फॉर्मेट में आप अच्छा खासा विन कर पाओ। गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा और दोस्तों इससे आपका विनिंग भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान से वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना। एंड गाइस, आप अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ सकते हो टेलीग्राम, क्योंकि जो इस मैच का नेक्स्ट मैचेस के कवरेजेस होंगे ना वो मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। दोस्तों, आज हम लोग 5 T10 कवर किया था। प्लस दोस्तों आपको, दोस्तों मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड किया जमाइका T10 एंड जो मॉर्निंग में चल रहा है ना, मॉर्निंग में क्या चल रहा है दोस्तों, पंडिचेरी T10 टू आइदर वरना दोस्तों फ्रेयर्स ओमेन सीरीज। तो सभी सीरीज के एक्सक्लूसिव खास करके डोमेस्टिक मैच का कवरेज आपको इस चैनल में मिलता है। प्लस नेदरलैंड प्लस वर्सेस थाईलैंड ओमेन जो मैच हुआ था वो भी हमने कवर किया था, और फ्यूचर में भी आपको एसोसिएट कंट्रीज के मैचेस के कवरेज इस चैनल में मिलेंगे। तो आप अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड फॉर फ्यूचर अपडेट, फॉर फाइनल अपडेट जुड़ जाना टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में एडेड है। आते एनालिसिस पॉइंट में। दोस्तों, 90 रन के आसपास एवरेज स्कोर है। 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। 20 मैचेस टूर्नामेंट में डन हो चुका है, मतलब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था ना उससे पहले 20 मैच खत्म। 9 बार बैट फर्स्ट, 10 बार चेजिंग। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे डोमिनेट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे क्या लगता है ना, जो स्ट्रॉन्गर टीम है, स्ट्रॉन्गर कौन टीम है वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। वो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग ले लेता है ना तो ईजिली वो टीम विन करता है। देखोगे तो प्रोबेबल टॉप ऑर्डर में ना वेन डेविस ओपन करेंगे, विकी प्लस ओपनिंग नॉट अ बैड चॉइस, चलेंगे इनके साथ। एल्बर्ट गोपी दोस्तों, ये ना जब जब खेला है कुछ ना कुछ किया है। देखो, पहले 2 मैच में विकेट लिया तो बैट से पॉइंट्स नहीं दिया, फिर इसने बैट से पॉइंट दिया विकेट नहीं लिया, बट कुछ तो किया है ना हमारे लिए, तो दोनों को मैं रखूंगा। रोनाल्डो इंग्राम जो बैटिंग पोजीशन 1 डाउन है ना, इनको आप चाहो तो ड्रॉप रोटेट कर सकते हो। सेफ पिक है क्योंकि आपको रन बनाते हुए दिखे हैं 20, 32, 21, 3 मैच में फ्लॉप 1, 10, 0, बट कुछ ना कुछ रन बनाया जाता है। खास करके बैटिंग कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप एक बैटर लेके चल सकते हो, वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, बट 3 बैटर्स फॉर्मेट में लेके चलना। ब्राइस को इग्नोर करना, रशीद रेमन को इग्नोर करना, ठीक है। ब्राइस आपको सिर्फ विकी से पॉइंट देने से देगा, अदरवाइज नहीं देगा। डब्ल्यू डेविस भी विकी करा सकता है, बट कुछ मैच में डमियन ब्राइस भी विकी कराया। आर पोटिंगर दोस्तों, सिलेक्शन बहुत लेस है, खास करके ड्रीम इलेवन न्यू फॉर्मेट जहाँ पे आप दोस्तों एक बैट्समैन लेके चल सकते हो, पोटिंगर के साथ जा सकते हो, अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है। 2 ओवर 16-1, 2-10-1। एंडल गॉर्डन मुझे कंसिस्टेंट बॉलर लगा, जो दोस्तों एक मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला, अदरवाइज ज़्यादा तो मैच में 2 ओवर डाल रहे हैं, तो दोस्तों सेफर चॉइस है, मैं अपने टीम में रखना पसंद करूंगा। जे चिजॉम, अगर टीम अनचेंज रहता है एक प्रोबेबिलिटीज है ये आपको बॉल करते हुए दिखेंगे तो ट्राई करेंगे। अगर टीम में चेंज होता है एंड बॉलर्स इंक्लूड होते हैं तो इनके ओवर कट होंगे। लास्ट 2 मैच में 2-2 ओवर कराया, इससे पहले 1 मैच में 1 ओवर कराया, उससे पहले 2 ओवर कराया, उससे पहले डू नॉट प्ले, मतलब जब जब खेला है बॉलिंग डाला है इसने, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ल्टन ब्रूक्स के ओवर कट हो रहे हैं दोस्तों कभी कभार बॉलिंग ही नहीं डालता है तो मैं इग्नोर करूंगा। माइकल बेडवर्ड लास्ट मैच में ना बॉल बैट कुछ नहीं किया, इसको इग्नोर करना है इस मैच में, ठीक है। सी लेमन मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट गिवर लगा है इस टीम से, पहले के मैचेस, पहले टूर्नामेंट के शुरू के मैचेस में ना 4-2, 3 विकेट था, फिर 0-0, फिर 1 विकेट, बट ये कैचेस भी ले लेते हैं, सेफ प्लेयर है। अब ये कुछ बेंच में बैठे हुए जेमी मर्चेंट अगर खेलता है एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, जरूर ट्राई करना। रेस दोस्तों के सेंटोकी अच्छा ऑप्शन है, ये जो टीम है ना इनका अगर मैं समर अप करूंगा, मुझे ऐसा दिख के लग रहा है कि ये जो टीम है इनका बॉलिंग यूनिट अच्छा है, इनका बैटिंग यूनिट डिसेंट है, उतना स्ट्रांग नहीं है, बट बॉलिंग यूनिट अच्छा है, इसीलिए टीम ने 3 मैच विन किया, 3 मैच में हारा है। कंसिस्टेंसी नहीं है, खास करके बैटिंग फर्स्ट में हो जाएगा तो टीम फंस जाएगा, ठीक है। डेथ में सी ब्रूक्स लास्ट मैच में किया था, गोपी किया था, पोटिंगर ने किया था, पोटिंगर दोस्तों डेथ में करा सकते हैं, अच्छे खासे ऑप्शन है। एंडल गॉर्डन खुद भी करा सकते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग। सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, इतने सारे मैचेस के बाद मुझे पता है कोई यहाँ पे रिव्यू नहीं करेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई प्लेयर आता है जैसे कि ओशन वाल्टर, ये ओपनिंग प्लस एक ओवर बॉलिंग से दे सकता है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। शी पावल अगर आता है तो इंपॉर्टेंट होगा, T10 में 8 मैच 15 ओवर में 6 विकेट, ठीक है। जेमी मार्चेंट 10 मैच 18 ओवर में 4 विकेट खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा।
अब देखो यूनाइटेड स्टार्स के प्लेयर्स लॉस्ट वन, इसने सिर्फ 2 विन किया, 4 मैच हारा है। अब इस टीम से अगर देखोगे ना, इनका भी वीकनेस इनका मुझे बैटिंग लग रहा है। देखो टूर्नामेंट में ऐसे भी रन ना उतना ज़्यादा बने नहीं, 90 ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, 100 ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, इससे ज़्यादा बहुत ही कम मैचेस में बन रहे हैं, रन कम ही बने हैं। ऊपर से बैटिंग देखोगे तो एस विल्सन लास्ट मैच में 16 रन किया था, बट एक ओवर में ना 22 का पिटाई हुआ था। दवानी स्वेल कंसिस्टेंट पॉइंट गिवर और बेस्ट कैप्टन पिक रहेंगे इस मैच में, मैं अपनी टीम में रखूंगा कैप्टन भी। फ्रांसिस ने 2 मैच खेला, दोनों मैच में बॉलिंग किया, पिटाई खाया है बट बॉलिंग कराया है, ठीक है, ये एक बॉलर यूज़ होगा, ठीक है। वी ग्रिफिथ ने लास्ट मैच में 19 ठोका था। अमोय कैम्बेल दोस्तों देखोगे तो लास्ट दोनों मैच में बहुत पिटाई हुआ, तो मस्ट पिक नहीं बनता है। बैटिंग सेक्शन में हाईली सिलेक्टेड भी है फिलहाल, ठीक ठाक सिलेक्शन भी है, बट स्टिल मैं इनको मस्ट पिक नहीं मानता हूँ, ठीक है, अमोय कैम्बेल को। रॉक जॉन हेनरी मुझे ये डिसेंट ऑप्शन लग रहा है, डिफेंशियल प्लेयर है, स्मॉल लीग के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि लास्ट मैच 4 मैच में विकेटलेस, इवन मैंने एक मैच में ट्राई भी किया था, सच बात बोलूँ तो विकेटलेस था, सरप्राइजिंग है, बट हर मैच में 2 ओवर डाल रहा है विकेटलेस। बट एक बात भी है ना, टीम इनसे कब बॉलिंग करा रहा है पता है, पावर प्ले में जब बैट्समैन अच्छा खेलता है ना ओपोनेंट, एक ओवर में मार खाता है, फिर इसको लाता है, फिर मार खाता है, और कैप्टन मुझे समझ नहीं आता है, खुद बाद में बॉलिंग करते वीकर बॉलर को, तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते खुद या फिर किसी और से। शेल्डन प्राइस 2 ओवर में लास्ट मैच में विकेटलेस, बट ये बैटिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग से तो इग्नोर करो क्योंकि इतना नीचे आप बैटिंग से कंसिस्टेंट नहीं है, बट बॉलिंग से आपको जरूर पॉइंट देंगे, तो चलो शेल्डन प्राइस को टीम में रख लेना। शशे एंडरसन को इग्नोर करेंगे। जेमी मॉर्गन दोस्तों वेरी सरप्राइजिंग लेना, लास्ट मैच में क्या हुआ था, जब लाइनअप्स आए थे मॉर्गन नहीं था लाइनअप्स में, उसके बाद मॉर्गन सडनली दोस्तों इंक्लूड होते हैं, फिर दोस्तों जो ये जब मैच होता है ना, मैच में एक ओवर भी बॉलिंग नहीं करता है बंदा, एक ओवर भी बैटिंग नहीं करता है, बहुत सरप्राइजिंग था बट ऐसा ही हुआ था दोस्तों, और ये ना हम लोग को दोस्तों थोड़ा सा लॉस कराया था इनफैक्ट, सच बात बोलो तो। यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स मिल जाएंगे, इनमें से दोस्तों ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, आर हेनरी रुक जग हेनरी डी सोएल के साथ, फिर आर फ्रांसिस आएंगे, डेथ में कौन आएगा, ए कैम्बेल आएगा, एस प्राइस आएंगे, और दोस्तों एस विल्सन आने वाला है। ये इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है गाइस, आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो, सेम बात है दोस्तों बहुत सारे मैचेस के बाद, आई नो आप लोग पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखोगे बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स इग्नोर भी कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारे ड्रीम इलेवन टीम में। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं आपको एक्सचेंज 22 का कुछ पिक्स दूंगा, देखो मुझे अभी पता नहीं है एग्जैक्टली एक्सचेंज 22 बाद में ऐड करेंगे नहीं करेंगे, बट अगर करते हैं ना और अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है, डी स्वेल बहुत अच्छा बाई पिक रहेगा क्योंकि मैंने नोटिस किया ये बॉल फर्स्ट अच्छा विकेट निकाल सकता है, सेकंड इनिंग से 10-15-20 रन भी मार दिया तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन आएंगे, बेसिकली 42-42 रेंज में ये आने वाले और शायद उस रेंज में आएंगे, तो ये अच्छा बाई पिक रहेगा। अलोंग विथ दिस दोस्तों चिजॉम अगर 10-12 पॉइंट में मिल जाएगा तो दोस्तों ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बराबर का टीम है, चिजॉम मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स देते हुए दिख रहे हैं इस मैच में, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो स्पेशली तो बेटर ऑप्शन रहेंगे। एंड आप अगर देखोगे यहाँ पे तो कौन है दोस्तों, लेमन का 20-25 रेट में मिल सकता है, तो मैं फिलहाल लेमन को इग्नोर करना पसंद करूंगा। आर पॉटिंजर अगर 16 या फिर उससे नीचे के रेट में मिलता है तो ले लेना, 20 रेट में मत लेना क्योंकि ऑन एन एवरेज एक ही विकेट निकाल रहा है, अगर 16 या फिर उससे नीचे के रेट में मिलता है तो ही लो, अदरवाइज इग्नोर करो। फिलहाल मैंने मॉर्गन को लिया बट लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा निराश किया, इनके जगह ना जे मार्चेंट मैं ट्राई करने वाला हूँ, स्पेशली अगर मार्चेंट खेलता है तो, ठीक है, बट लास्ट मैच में ना मुझे लगता है मॉर्गन खेला ही नहीं था इसलिए बैट बॉल कुछ नहीं किया, बट अगर इस मैच में खेलता है ना अच्छा रोल प्ले करेगा, ग्रैंड लीग में कैप भी सी बना सकते हो। शेल्डन प्राइस मुझे बहुत ही डिसेंट ऑप्शन लगे, ये अगर दोस्तों 20 का नीचे रेट से मिला तो बाय करना है, अगर 20 से ज़्यादा रेट में मिला क्योंकि एक विकेट लेगा ऐसा मुझे लग रहा है तो दोस्तों मैं बाय सेल इनको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो पैटर्न दिख रहा है ना ड्रीम इलेवन का, 3 बैटर वाला पैटर्न दोस्तों, ये पैटर्न के हिसाब से ना ड्रीम इलेवन में मैच मुश्किल होगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 4 मेंबर्स खेलोगे आपका ओपोनेंट 100% आइदर इसको ड्रॉप करेगा वरना इसको ड्रॉप करके आएगा। लॉजिकली मैं एस विल्सन को ज़्यादा प्रेफर करूंगा आर इंग्राम से, बट दोनों में से किसी को पक्का आपका ओपोनेंट ड्रॉप करेगा और एक एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ से 100% यूज़ करेगा ड्रीम इलेवन फॉर्मेट में, जो मैच को आपको ट्रबल करेगा क्योंकि पता नहीं ये भी 20-22 रन बना सकता है, ये भी 10-15 रन बना सकता है और आपका बॉलर अगर विकेटलेस चला गया रॉक जॉक हेनरी तो फंस जाओगे। बट सेम मैच अगर आप दोस्तों ओल्ड फॉर्मेट फैंटेसी में खेलोगे जहाँ पे 3 बैटर्स लेके चल रहे हो वहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कंपलसरी 3 बैटर्स है और वहाँ पे आपको गेम डिफरेंस कौन कराएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। तो मैं शायद फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग में लेमन को वीसी यूज़ करूँ, सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग में वीसी इनको यूज़ नहीं करूँगा, प्राइस मैं जा सकता हूँ क्योंकि ये डेथ में आ रहा है। पॉटिंजर ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे जो डिफेंस क्रिएट कर सकता है स्मॉल लीग में दोस्तों, तो ये कुछ प्लेयर्स हमारे पास है इस मैच के अकॉर्डिंग जिनको हम लोग ट्राई करने वाले अपने टीम में। दोस्तों डब्ल्यू डेविस शायद विकी ना करे और डेमियन ब्राइस शायद विकी करे, बट ये बेटर ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्योंकि ये ओपनिंग कर रहा है।
फिलहाल तो गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज, बट इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैचेस की कवरेज एंड डेमो टीम्स हुए वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। जब से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड डेफिनेटली मैंने गाइस ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया, मैंने मल्टी मैच फैंटेसी के ऊपर वीडियो बनाया। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है तो जरूर कमेंट करके बताओ, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक वो आपका टॉपिक हो और मैं उसका वीडियो भी बना के आपको दोस्तों सर्व कर पाऊँ। फिलहाल गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज, नेक्स्ट मैचेस का अपडेट एंड डेमो टीम के साथ मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू गाइस।